ओ हालेलुया 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 रिबा सिखरावा। हाँ पिता, हरे खरे 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 पापी तेरी ओर फिर करे तुझको जो उनका उद्धारकर्ता से उकार करने वाले हो जाए, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जिस घर में चरिए उस घर में आज के दिन अधूरो मीठे नाम साथियों पास्टर प्रचारक को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ सुबह यानी कि भोर का प्रार्थना, और इस प्रार्थना में घर परिवार के लिए जो बीमार पड़ों के लिए सभी समस्याओं बीमारी प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, दिन भर आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। तो विश्वास पूर्वक प्रार्थना को देखिए और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में अपने घरों में क्लेम कीजिए, रिसीव कीजिए। मेरे पियो, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य क्रम करने जा रहे हैं। हालेलुया, हम जो कुछ चाहते हैं प्रभु से वो हम प्रभु से मांगे मेरे पियो, लेकिन अपने प्रार्थना में हम ये शामिल करें कि प्रभु हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं अक्सर कहता हूँ मेरे पियो, हम अपनी इच्छा से मांगकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। जब आप प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में अपने घरों में मांगेंगे तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देने के लिए तैयार है। जब हम उसकी इच्छा अपने जीवन में मांगेंगे तो अपने इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में आशीषों को उड़े लेगा। इसलिए हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में हम मांगने वाले हो जाए। हालेलुया, प्रत्येकन बॉस में या फिर व्हाट्सएप भेजिए, हमारी मिस्ट्री बड़बोज के साथ प्रार्थना करता है। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, विश्वास के साथ देखें और बड़े विश्वास के साथ अपने जीवन में अपने घरों में इस प्रार्थना को क्लेम कीजिए, रिसीव कीजिए विश्वास के साथ। हालेलुया 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 बारी बाउल्ला रा बारी करा बारिक तम जायम रिक तम जायम धन्येश्वराजा महिमा के योग स्ति के योग प्रशंसा का योग। प्रभु जी हम धन्यवाद ते हर एक बात तो के लिए पिता, रात सुन दिया एक नया दिन दिखाया, ज्योत तो जीवित रखा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, हर एक बातों में हर एक कामों में हम ते नाम की महिमा करते हैं। अब तक हम सबको संभाले रखा, हर एक महामारी दुर्घटनाओं बीमारियों से बचाए रखा पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते पिता, जो भाई बहन लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं जिस घर में प्रार्थना चलिए उन घरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता, वहां तेरी शांति उतरने पाए, वहां तेरी आशीष चंगाई छुटकारा और उद्धार उतरने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा पिता बहुतों का जीवन परिवर्तन होने पाए, वो लोग जानने पाए कि यीशु ही प्रभु है, वो अपने मुंह से अंगीकार करने वाले हो जाए, घुटनों पे आकर तुझको स्वीकार करने वाले हो जाए। सिखराबा रक्तम जयम धन्येश्वराजा ओ महिमा हो। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी दिन भर कार्य मगवाई के में सहायता कर, जहां कार्य करने जाते हैं उनके आने जाने में सहायता कर, त्राओं में सुरक्षा प्रदान कर खुदावन। हाँ खुदावन प्रार्थना करते हैं इन सारे भाई बहनों के लिए पिता, जहाँ भी जाते हैं काम में तू सफलता को देने जा रहा है, इनके हर एक बंधन आज के दिन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए, रुका हुआ कार्य इनके जीवन दोबारा से शुरू होने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों में हम ते नाम की महिमा करते, नाम की प्रशंसा करते हैं खुदावन। ओ रबा सिख रबा हु रबा रिख रबा रिक्तम जयम धन्य धन्य धन्येश्वराजा महिमा हो यीशु की महिमा। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, जो प्रार्थना को देख रहे सुन रहे उनके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा आश्चर्य क्रम होने पाए, वहां लोग गवाही के तौर पर आगे आने पाए, गवाह देने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ओ रीबा रीबा सिखा रबा हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो बीमार पड़े हैं पिता, सालों महीनों दिनों से दवाई खा के थक चुके हैं, वह थके मांदे आए हैं, उनके लिए हम बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं मेरे पियो। आइए प्रभु से प्रार्थना कीजिए, घुटनों पे आकर आंसुओं को गिराते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले अपने जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए, अपने पापों की क्षमा उससे मांगिए। जीवन भर में जो भी पाप गुनाह किए हैं उन सारे पापों की क्षमा सच्चे मन सच्चे दिल से उससे मांगिए, उसको जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए, उसके तौर पे चलने के लिए उससे वादा कीजिए, अपने मुंह से अंगीकार कीजिए यीशु ही प्रभु है। रबा सिखरा विश्वास कीजिए, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में जिलाया है तो आप निश्चित ही उद्धार पाएंगे। अगर आपको उद्धार पाना है तो आपको विश्वास करना होगा, अपने पापों की क्षमा प्राप्त करना होगा मेरे पियो। हाँ मेरे पियो, हमें प्रभु से अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके हम अंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ओ धन्येश्वराजा थैंक यू जीजस पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरा नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। ये दुनिया भर में
जहां भी रखकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जिस घर में देख रहे हैं पिता, इन सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इन सबों को तू चंगाई प्रदान कीजिए पिता। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, ये बीमारियों से हताश निराश हो चुके हैं पिता, पिता इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरा नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ओ रबा सिखर, अब हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर छू लीजिए पिता, इन सबों को चंगाई प्रदान कीजिए पिता। ये जिस घर में प्रार्थना चल रही है, जिस घर में प्रार्थना चल रही पिता, वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए खुदावन। हर एक व्यक्ति, हर एक जन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाए, इनके हाथों, इनके पैरों पिता, तेरे नाम से पिता पवित्र आत्मा के द्वारा एक सामर्थ्य आने पाए। हर एक व्यक्ति चंगे होने पाए तेरे नाम से। जो कमजोरियां है, दुबलता है इनके शरीर में, तेरे नाम से दूर होने पाए खुदावन। ओ हालेलुया, रीबा सिखरावा रक्तम जय पिता, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो बीमार पड़े हैं, अपने जीवन से हताश निराश हो चुके हैं खुदावन, उन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाकर छू लीजिए पिता। हाँ प्रभु जी, ये निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, दवाई खा के थक चुके हैं, ये थके मांदे आए हैं, लेकिन अब विश्वास के साथ आए हैं पिता। और जो विश्वास के साथ तेरे पास आता है प्रभु जी, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है प्रभु जी। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ओ रबा सिखर, बीमारी छोटी चाहे बड़ी क्यों ना हो मेरे पियो, उससे प्रार्थना कीजिए, आपको चंगाई देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। अपने मुंह से अंगीकार कीजिए, सुकुड़े खाने चंगे हो चुका, सुकुड़े खाने चंगे हो चुकी हूँ, हर बीमारियां तेरे नाम से दूर होने पाए, कैंसर, टीबी, शुगर, बीपी, यीशु के नाम में इनके जीवन से, इनके घरों से निकलने पाए, हर एक दर्द जाने पाए, सिर से लेकर नखुन तक। हाँ प्रभु जी, इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, नाम से पिता ये भाई बहन चंगे होने पाए। ओ हालेलुया, हालेलुया, रीवा सिखरावा रक्तम जयम, रक्तम जयम, हरिमार ते नाम से चंगे होने पाए। इसी घड़ी, इसी कड़ी, जो विश्वास करे यीशु मसीह इस प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई देगा, यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। ओ हालेलुया, हर एक पथरी, हर एक रसोलिया पथरिया, हर एक गांठ यीशु के नाम में निकलने पाए। बीपी, शुगर, यीशु के नाम में जाने पाए। जो पैसे बीमारी है, जो खून रुक चुके हैं इनके हाथ, उनके पैरों में, हम यीशु के नाम में उनको, उस बीमारी को हम आज्ञा देते हैं, इसी घड़ी वह चंगे होने पाए। इनके हाथों में हर एक खून जो रुका हुआ है, वह यीशु के नाम में प्रवाहित होने पाए। ओ हालेलुया, 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 ओ रीबा सिखरावा हुलराबा रिखरावा रक्तम जयम, यीशु के नाम में बीमारी दूर हो जाए उनके शरीर से। थैंक यू जीजस, ग्लोरी 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 ग्लोरी, ओ रीबा सिखरा पिता, इन सबों को तू चंगाई प्रदान किया, इनके प्रार्थना को सुन लिया है पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे पियो, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, उसने आपको चंगाई दे दिया है। ओ हालेलुया, हालेलुया, धन्येश्वराजा, महिमा हो, यीशु की महिमा हो पिता परमेश्वर। इन सारे भाई बहनों को तू चंगाई प्रदान किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए पिता। ये जहाँ भी रहते पिता, जिस घर में, जिस जगह में, जिस दुनिया कोने में, कहीं भी रखकर इस प्रार्थना को देख रहे हैं पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन प्रकट होने पाए। हमारी इच्छा नहीं, बल्कि तेरी इच्छा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, यही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए तुझसे, जो चिंताओं में पड़े हुए हैं, बहुत से दबे कहरा रहे हैं, उन सारे लोगों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन पर दया कीजिए पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए पिता, उनको आशीषित कीजिए खुदावन। हाँ पिता परमेश्वर, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो चिंताओं में पड़े हुए हैं, बहुत से दबे कहरा रहे हैं, उनके जीवन के रास्ते बंद जरा रहे हैं, उन सारे व्यक्तियों को, सारे भाई बहनों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। ओ रीबा सिखरावा हुलबा रिखरावा, हर एक चिंताएं इनके जीवन से, इनके घरों से दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूटने पाए यीशु के नाम में, बंधन टूटने, बंद रास्ते इनके जीवन से खुलने पाए यीशु के नाम में, यही हम प्रार्थना करते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते, नाम की प्रशंसा करते हैं। जो समस्याओं में घिरे हुए हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, इन सारे समस्याओं से इनको तो छुटकारा देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पियो। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो आपके समस्याओं से निकालेगा, आपके बंधन को तोड़ेगा, बंद रास्ते को आपके जीवन से खोलेगा पिता। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो इनके रास्ते बंद चुके हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, तेरे नाम से वह खुलने पाए। ओ हर बार सिखरावा हुलरावा रिखरावा, समस्याएं छोटी चाहे बड़ी क्यों ना हो, उस
समस्याओं को हम यीशु के नाम में निकलने की घोषणा करते हैं। इसी घड़ी हर एक समस्या इनके जीवन से जाने पाए, बंधन टूटने पाए यीशु के नाम। इसी घड़ी जो विश्वास कर रहे, क्लेम कर रहे हैं, ये प्रार्थना उनके जीवन में आशीष को लेके आने जा रहा है। पिता हम धन्यवाद, इनकी चिंताओं को तूने दूर कर दिया है, बंधन को तोड़ दिया, बंद रास्ते को खोल दिया, समस्याओं का समाधान दे दिया है। पिता हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए हम धन्यवाद का बलिदान तेरे चरणों में चढ़ाते हैं। रीबा सिखरावा हुरावा रिखरावा रिक्तम जयम महिमा 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 हो महिमा हो महिमा हो यीशु की महिमा, यीशु की महिमा। हम प्रार्थना करते पिता उन सारे भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता निराशा में पड़े हुए हैं, दुखों में पड़े हुए हैं, घर में अशांति लाई, झगड़े की आत्माएं कार्य कर रही है, मेरे पियो प्रभु के पास आइए। उसके निकट अंत की भरपूरी है, उसके निकट आशीष है, चंगाई है, छुटकारा है, खुशी है, आनंद है। उसके पास आइए, उसके पास आइए, उससे प्रार्थना कीजिए। ओ रीवा सिखरावा पिता इनको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वचनों की तरह इनके अंदर तू एक अंत को देने जा रहा है पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। मेरे पियो वचन को अध्ययन कीजिए, वचनों की तरह प्रभु आपसे बातें करेगा और आपके अंदर एक जोय आ जाएगी, अंत की भरपूरी आ जाएगी। ओ हालेलुया, जिस घर में प्रार्थना चाहिए उस घर से हर एक अंधकार की आत्माएं दूर होने पाए, हर एक अशांति लाए, झगड़े की आत्माएं दूर होने पाए यीशु के नाम में। हाँ पिता हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो भी इनके अंदर शोक वाली बातें कार्य कर रही है उस शोक को इसी क्षण हम आनंद में बदलने की यीशु के नाम में हम घोषणा करते हैं, उनका शोक के आनंद में बदलने पाए। इसी घड़ी हम यही प्रार्थना करते पिता, इनके शोक को निकाल दिया है खुदावन, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इनके अंदर तो आंत की भरपूरी को वचनों के द्वारा दे दिया पिता, हम धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं जो दारू की आत्माओं में, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं, कार्य की आत्माएं पड़े हुए हैं, उन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना जिस घर में चलिए वहां उद्धार आने पाए, हर एक पापी तेरी ओर फिर कर तुझको जो उनका उद्धार करता से कार्य करने वाले हो जाए, तेरे नाम की महिमा इनके बीच में प्रकट होने पाए, इनके बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते इनके जीवन में खुलने पाए खुदावन। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते, नाम की प्रशंसा करते हैं। अब तक हम सबको संभाए रखा, हर एक महामारी को, दुर्घटना, बीमारियों से बचाए रखा पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, ये दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, ये प्रार्थना उनके जीवन में कार्यशील होने पाए, अद्भुत कार्य चमत्कार इनके जीवन में प्रकट होने पाए। ये जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। मेरे पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, उससे प्रार्थना कि जो उसके निकट अंत की भरपूरी है, उसके निकट छुटकारा है, आशीष है, उद्धार है। अपने अपने पापों से फिर कर प्रभु के पास आइए, उसको जिनका उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए और स्वर्ग राज में अपनी सफलता को प्राप्त कर लीजिए पिता। ये प्रार्थना जिस घर में चरिए वहां ते नाम की महिमा प्रकट होने पाए खुदावन। हर एक दारू की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी अंधकारी की आत्माएं यीशु के नाम में उनके जीवन से, उनके घरों से दूर होने पाए यीशु के नाम। यीशु के नाम में हर एक बंधन टूटने पाए इनके जीवन से। ओ हालेलुया 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 रीबा सिखरावा। हां पिता हर एक पापी तेरी ओर फिर करे तुझको जो उनका उद्धारकर्ता से उकार करने वाले हो जाए, यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना जिस घर में चरिए उस घर में आज के दिन उद्धार आने पाए, तूने ऐसा कर दिया है, हम धन्यवाद देते हैं। जो विदेश में रह कार्य करते, भारत के शहरों में रह कार्य करते, हम प्रार्थना करते हैं और जहां भी रहते सुरक्षाओं से भरपूर होने पाए, और जहां भी है पिता वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। जो कोई मार है उनको हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, उन सभी को चंगाई प्रदान कीजिए पिता, यही हम प्रार्थना करते। हर एक समस्याओं से उनको बचाए रखिए खुदावन। ओ थैंक यू जीजस, जो भी समस्याएं हैं वह तेरे नाम से दूर होने पाए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। मेरे पियो प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में मांगिए पिता, हर एक बंधन टूटने पाए, बंद रास्ते खुलने पाए। जो भी समस्याएं उन समस्याओं को तू समाधान देने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। जिनके रास्ते बंध चुके हैं पिता, और रास्ते को तू खोलने जा रहा है, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। जो बच्चे की आशीष के लिए प्रार्थना करवाए, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, उन सबों को तू आशीष प्रदान कीजिए पिता। हाँ पिता, वो हर जगह थके मांदे आए हैं, लेकिन विश्वास के साथ आए हैं, और जो विश्वास के साथ तेरे पास आता है पिता, वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है, वह आशीष चंगाई छुटकारा को प्राप्त करके जाता है। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए खुदावन। हाँ मेरे पियो, 2021 प्रभु के वचन पर चलने वाले हो जाइए, आपके जीवन में आशीष आना शुरू हो जाएगा। वह आशीषें आपके जीवन जो रुक चुकी हैं, वह आशीषें आपके जीवन में आएगी। जो सालों से नहीं हुआ है प्रभु आपके जीवन
में 2021 में करने जाए। जो विश्वास कर रहे हैं वो अपने जीवन में आरिश्चय क्रम को क्लेम कर रहे हैं। ओ हालेलुया, धन्य 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 ईश्वर राजा। इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंप, इन सबों को आशीष से भरपूर किया, धन्यवाद। जितने भाई बहन पिता अपने हाथ को बढ़ाकर बीज बोए, भेंट दास से दशमांश भेजे पिता, उन सबों को तू आशीष प्रदान करे। और जितना बीज बोते पिता उसका 100 गुना वह प्रतिफल पाने जा रहे हैं, तेरे नाम से हम धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता, इनके घरों में सुख शांति आने पाए, अशांति वाली बात लाए, झगड़े की आत्माएं दूर होने पाए, जो समस्याएं दूर होने पाए, बंधन टूटने, बंद रास्ते नाम से खुलने पाए पिता। इनके सैलरी भी ने सौंप में हम तेरे नाम से हम ब्लेसिंग भेजते पिता। हम आशीष की घोषणा करते, जो कमाते फलवंत होने पाए, फालतू खर्ची मारी की आत्माएं इनके जीवन से निकलने पाए, हर एक बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, यही हम प्रार्थना करते। हर एक बातों में हम तेरे नाम की महिमा करते, नाम की प्रशंसा करते हैं। अब तक हम सबको संभाले रख, हर एक दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रख पिता, धन्यवाद देते हैं। समय समय पर हर एक जोर थे हमारे जीवन तुमने पूरा किया है और पूरा करते रहेगा, धन्यवाद। ये प्रार्थना जिस घर में चले उस घर को तेरे हाथों में सौंपते, छोटे से बड़े तक हर व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते, पंखों की आड़ में छुपाए रख हर व्यक्तियों को, यही हम प्रार्थना तुझसे करते हैं पिता। भारत देश के लिए प्रार्थना करते, भारत देश को पिता हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते, शांति की घोषणा करते हैं। दीपक कार्य में अगुवाई में सहायता करिए, जहां भी जाते हैं इनके आने जाने में सहायता कीजिए पिता, यही हम प्रार्थना करते हैं। जो कोई पिता परमेश्वर रिपोर्ट लेने जाएंगे, चेकअप के लिए जाएंगे पिता, अपने शरीर में जो बीमारी को लेकर पिता डॉक्टरों के पास है, हर एक रिपोर्ट तेरे नाम से नो माने पाए आज के दिन, यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद ईश्वर पिता जी, आशीष मांगते हैं, सुंदर आज ग्रहण कर, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, मेरे पियो हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, प्रभु हमारे जीवन में आशीष देने के लिए तैयार है। जब विश्वास करेंगे हम अपने जीवन में प्रभु की आशीष को हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया, जितने भाई बहन अपने हाथ को बढ़ाकर बीज बोए, भेंट दास से दशमांश भेजे, प्रभु आप सबको आशीष दे, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। अगर आप दान दस मार्ग भेजना चाहते हैं, चर्च में सहयोग करना चाहते हैं, वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, अपनी शक्ति अपनी इच्छा को सर आप इसमें सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जो पहले अकाउंट था आप उसमें, जिसके पास वो अकाउंट सेव है, आप उसमें जिस प्रकार से आप दान राशि दस मार्ग भेजते थे आप उस प्रकार भेज सकते हैं। लेकिन जो अब नए लोग भेजेंगे, जो नया अकाउंट सेव करेंगे, वो वीडियो के लास्ट में दिया गया है, आप उसमें आप अपना सहयोग दान राशि भेज सकते हैं। जो पहले से भेज रहे हैं, जिसके मोबाइल में वो अकाउंट सेव है, आप उसी में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसे भेजना चाहते तो आप इसमें भी भेज सकते हैं, तो वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, अपनी शक्ति अपनी इच्छा को सर आप में से प्रदान कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।